तो ज़िंदगी में दोस्तों को कुछ भी बताना, पर अपने पापा का नाम मत बताना, नहीं तो तुम्हारा नाम तो वो भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा के नाम से तुमको बुलाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखो, अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है और बस इंट्रो शूट करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ स्कूल अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, देखते हैं आज मिलता है या नहीं। 12 बजे का पहले बुलाया गया है, अराउंड 45 मिनट्स बाकी है 12 बजने में। देखते हैं, फटाफट जाते हैं यार स्कूल पहले, और उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस, फाइनली मैं स्कूल टाइम से पहुँच गया, टाइम के पहले ही पहुँच गया और मेरा सर्टिफिकेट मेरे को मिल गया है। और कॉलेज से एक नोटिस आया था कि 6 तारीख के भीतर आपको जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कॉलेज में भी कॉल किया कि मैं किसी भी दिन आ जाऊँ ना 6 तारीख के भीतर, तो बोल रही हैं कि कॉलेज से बोला गया है कि आपको बता दिया जाएगा किस दिन आना है। बोले ये क्या भाई, मैं तो सोचा 1 तारीख को जाऊँगा, जाके सब दे के सब निपटा लूँगा, पर हमारे लाइफ में कहाँ शांति, कहाँ है हमारे लाइफ में। घर जाते हैं, घर ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया हूँ, मैं खाली पेट निकल गया हूँ मैं घर से। किसी को पता चलेगा ना कि मैं खाली पेट निकला हूँ, मेरा ठुकाई होगा अच्छे से। अब घर जाता हूँ यार पहले। तो गाइस, मैं घर पहुँच गया हूँ और अब फिलहाल अब पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगा अपना, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगा, क्या कर सकता हूँ। और मैं गाइस, कल रात का रोटी था और अभी मैं ऑमलेट बनाया हूँ। ऑमलेट देख के मुझे गर्व हो रहा है या क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताओ कि ऑमलेट कैसा बना है देख के प्लीज़। तो पेश करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने मेरा ऑमलेट। ये रहा, ये मेरा ऑमलेट है। 10 मिनट का मेहनत के बाद ये ऑमलेट निकला है मेरा, ठीक है। तो जो भी है मैं बनाया हूँ, तो मेरे को बहुत पसंद है, ये काफ़ी टेस्टी होगा खाने में बस। तो गए, शाम हो गया है, मैं सो गया था क्योंकि पूरा बदन हाथ में पेन हो रहा है ना, तो इसलिए बार बार सो जा रहा हूँ मैं। तो लग रहा है कि आलसी हो गया हूँ, पर नहीं, बदन पेन हो रहा है इसलिए मैं सो जा रहा हूँ। तो फिलहाल अब लंच करता हूँ और बहुत ही लेट हो गया लंच करने में। तो गाइस, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं ट्रिम कर लिया अपना बियर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और नहा भी लिया हूँ, और अब फिलहाल जा रहा हूँ पूजा कर लेने के लिए। और हाँ, और एक खुशखबरी है कि मम्मी जाने वाली है, तो आज से मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा यार। ऐसे तो रेस्ट ले ही रहा हूँ, पर एक काम का टेंशन से मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा। और क्या, तो फिलहाल फटाफट पूजा करते यार। मैं ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना, सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी क्या, बाद में बताऊँगा यार। अभी फ़िलहाल जाता हूँ पूजा कर लेता हूँ, शाम का दिया जला देता हूँ और उसके बाद जिम जाऊँगा। गाइस, बड़े दिनों के बाद, मतलब काफ़ी सालों के बाद हमारे घर में एक बटरफ्लाई आई है। ऐसे तो नहीं उड़ेगी, उतने ऊपर है। जब मैं छोटा था ना, जब ये बिल्डिंग शायद बना भी नहीं था, जब मैं बहुत ही छोटा था ना, तब अक्सर ये घर हमारे घर में आती थी, और काफ़ी सालों के बाद मैं इसे देखा हूँ अपने घर में। तो हमेशा यही कलर का ही आती है, और दूसरा कोई कलर का नहीं आया घर में, वो सिर्फ टीवी में ही दिखता है कि पर्पल, वाइट, येलो। वैसे मैं देखा हूँ बाहर, पर घर में हमेशा यही वाली आती है। अब आती है आता है पता नहीं मेरे को। तो गाइस, मैं निकल गया हूँ जिम के लिए और देखो पीछे पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। कुछ दिन पहले कितना एकदम लाइट वाइट, गाना वाना सब बज रहा था, और अब फिर सब कुछ शांत हो गया है। अब भी बस 1 या 2 फेस्टिवल है, उसके बाद फिर सब फिर शांत हो जाएगा पहले की तरह। तो गाइस, वर्कआउट हो गया है और आज लेग्स था। जो लोग जिम करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि जिस दिन लेग रहता उस दिन क्या हालत होता है। तो आज मेरा लेग्स था, पूरा पैर का 12 बजा हुआ है। जा रहा हूँ घर यार, पैर चल भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, पर चलना पड़ेगा मेरे को, चलते हैं घर अब। तो गाइस, पापा बोले थे कि एक दुकान से कुछ ले लेने के लिए, तो इसके पीछे पापा का नाम लिखा हुआ है, तो एक ग्रीटिंग्स है, पापा को कुछ मिला है ऑफिस की तरफ से। तो पीछे घुमा के नहीं दिखाऊँगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो भी व्लॉग देखेंगे, और मुझे पूरे सारे तीन, मतलब पूरे ज़िंदगी मेरे को चिढ़ाएंगे मेरे पापा का नाम से। तो ज़िंदगी में दोस्तों कुछ भी बताना, पर अपने पापा का नाम मत बताना, नहीं तो तुम्हारा नाम तो वो भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा के नाम से तुमको बुलाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आज मैं घर आ गया हूँ और मैं मम्मी को बोला था कि मम्मी मोमो लेकर आने के लिए,
मम्मी लेकर आई है, देखते कहाँ है। तो ये प्लास्टिक के अंदर ही है, व्हाइट वाले प्लास्टिक के अंदर है ना। एक हाथ से खोलना काफी टफ हो जाता है, आदत सी हो गई है अब एक हाथ से काम करने की। तो ये रखा जिसमें मोमो, तो आजकल दुकान वाले भी ऐसे स्टिकर लगा के भेज देते हैं। गाइस फाइनली मेरे इतना दिन का टेंशन अब दूर होने वाला है, सिर्फ आज लास्ट है। तो देखो कौन आई है, मम्मी आ गई है। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बोला आज सिर्फ आज सारा बर्तन मैं धो दे रहा हूँ, कल से सब आपके ऊपर है, तो आप करना, मेरे से और नहीं होगा। बहुत किया और मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया है, पता नहीं आप कैसे कर लेते हो। आप धन हो आप। इतने दिन कहाँ थे, कहाँ थे इतने दिन? नया काम में, हाँ नया काम में। तबीयत खराब हो गया ना, माता भी थोड़ा खराब हो गया है। क्या बोल रही है खुद समझ में नहीं आ रहा। सही जवाब। तो फिर डिनर करते हैं, भूख लग गया बहुत, और आज सारा काम मेरे को ही करना है। तो गैस डिनर वगैरह हो गया है और अब सब बर्तन धो देता हूँ। बर्तन धोने में काफ़ी टाइम लगेंगे मेरे को, तो गाना बजाऊंगा, गाना सुनते सुनते सारे बर्तन धो दूंगा मैं। तो बर्तन धोने के बाद अब से सीधा मिलता हूँ। तो गैस रात के 2 बजने वाले हैं, अभी तक मैं एडिटिंग स्टार्ट नहीं किया हूँ। अभी सब बर्तन धो धा के मैं अभी आया हूँ और पानी ख़त्म हो गया घर में। तो ये 1 गैलन है, तो इसको अभी मेरे को इसमें लगाना है। पीछे मेरा ट्राईपॉड पड़ा हुआ है जिससे मैं रील्स बनाता हूँ, अभी नहीं बना रहा हूँ, जल्दी बनाऊँगा। सब सेव करके रखा हुआ है, तो इतना तो 20 किलो अभी उठाना पड़ेगा यार मेरे को। ऐसे ही पूरा बदन हाथ दर्द, और उसमें से और 20 किलो भी उठाना पड़ेगा। खैर अब करते हैं यार, क्या ही कर सकते हैं अब। आज रात के 3:15 हो रहे हैं, 3:15, 3:15 ना, छोड़ो यार, 3:16 हो रहे हैं। और अब जाके ब्लॉग एडिट हुआ है मेरा, काफ़ी 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 ज़्यादा लेट हो गया। अब इसको अपलोड करते करते 4:30 ऐसे बज जाएंगे, देख रहे हो ना, इतना लेट लेट करके सब कुछ करना पड़ता है। और खैर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। और पता नहीं यार मम्मी कैसे इतना काम कर लेती है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड, हैट्स ऑफ यार। मैं मम्मी एक दिन अगर चल जाती है ना, तो मेरा फट के निकल जाता है पूरा, मेरे को पता चल जाता है कि कितना क्या करना है। और मम्मी अभी सोकर है, सुबह 5 बजे उठेगी और फिर रात को 12 बजे, 1-1.5 बजे मम्मी सोएगी। हैट्स ऑफ यार सभी मम्मीज को, सभी मम्मी को। खैर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आशा करते हो ब्लॉग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, लेट्स रॉक। जय जय भारत।